कुछ समय पहले हमने कटिंग्स लगाई थी, उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर जो है फ्लावरिंग के बर्ड्स आने शुरू हो चुके हैं और काफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि गुलाब के प्लांट की जो कलम है उसको किस प्रकार से ग्रो करना है और गमले में किस तरीके से इसको लगाना है। जो हम कलम जो ग्रो करेंगे वो देसी गुलाब की कलम रहेगी और इसको हम आज जो है अपने पॉट के अंदर ग्रो करेंगे। और ये समय जो देसी गुलाब के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इस समय इसके अंदर खूब ज़्यादा फ्लावरिंग होनी शुरू होने वाली है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा। ये देखिए, कुछ समय पहले हमने जो गुलाब के देसी गुलाब के प्लांट की कलम लगाई थी और ये इस समय कलम जो है फुल फ्लैट ग्रो हो चुकी है। तो अब हम इसको अपने गमले के अंदर ग्रो करेंगे। और हमने जो इसके लिए जो मिट्टी का जो मिक्सचर तैयार करा है, ये मिक्सचर जो इसके अंदर 50% जो गार्डन सॉइल है और वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन करी है, और उसके अलावा इसके अंदर जो हमने 4-5 फर्टिलाइज़र ऐड ऑन करी है, DAP के कुछ दाने हैं, पोटाश के कुछ दाने हैं, और उसके अलावा इसके अंदर जो हमने बोन मिल और नीम खली और सरसों की खली का पाउडर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्स करा है। तो इस प्रकार से हम जो है एक मिट्टी के पॉट के अंदर इसको ग्रो करेंगे। ये जो पॉट हमारा छोटा पॉट है, इसके अंदर हमने सबसे पहले पत्थर रख लिया है होल के ऊपर, जिससे कि पानी थोड़ी मात्रा में निकले, पूरा नहीं निकले। और अब हमने जो मिट्टी का जो सॉइल मिक्सचर तैयार करा था, इसको अब हम इसको गमले के अंदर डालेंगे। और गमले में डालने के बाद अब हम अपने इस प्लांट को लगाना शुरू करेंगे। इसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र ऐड ऑन कर रखी है अपनी जो इस मिट्टी के अंदर। तो आप लोग भी, अभी मैंने आपको जो मिट्टी के अंदर कौन कौन सी खाद को आपने मिक्स करना है, तो वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर मिट्टी के अंदर जिस तरह हमने वर्मी कंपोस्ट और पोटाश के कुछ दाने और DAP के कुछ दाने और थोड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर हमने नीम की खली और सरसों की खली और थोड़ी ही मात्रा के अंदर हमने इसके अंदर जो है बोन मील को मिक्स करा है। तो अब लगाते हैं इस प्लांट को। ये देखिए, एक कलम ये है और एक कलम अभी ये हम ग्रो करेंगे अपने इस पॉट के अंदर। तो पहले हम पॉट के अंदर से थोड़ी जो हमने एक्सेस मिट्टी डाल ली थी इसको निकालेंगे खुरपे की मदद से। और अब हम अपनी जो इस कलम को निकालने के बाद इसके अंदर ग्रो करेंगे। हमने जो कलम के अंदर जो पॉट के अंदर लगा रखी है, इसमें पानी नहीं पाया था तो इजीली निकल जाएगी। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है और इसको थोड़ा अंदर तक लगाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे तो जड़ को पकड़ करने में थोड़ा समय लगेगा। और इसके अलावा कुछ और हमने कटिंग्स लगाई थी जिन्होंने अब हमें रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, हमारी जो कुछ समय पहले हमने कटिंग्स लगाई थी, उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर जो है फ्लावरिंग के बर्ड्स आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी संख्या के अंदर आ चुके हैं। और इसके फ्लावर से आप जो देसी गुलाब के फ्लावर से बेसिकली जो आप गुलाब जल भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और हमने कटिंग लगाई थी, वो देखिए ये है, इसको भी हमने कटिंग के थ्रू ही लगाया था। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि ये समय बहुत उपयुक्त है कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। अगर आप कलम तैयार करना चाहते हैं इस समय अपने प्लांट की, तो उसको ग्रो भी कर सकते हैं। और अगर आपकी जो गुलाब की कटिंग है वो ग्रो हो चुकी है, तो उसको आप इस प्रकार से अपने दूसरे पॉट के अंदर भी
ट्रांसफर कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।